फ्रेंड्स, तो वेजिटेबल्स है, कल मैंने आपसे पूछा था और काफ़ी सारे लोगों ने सही रिस्पांस दिया है। यस, सो इतने सारे चीज़ों को लेके आज एक जल्दी से बनने वाली डिश हम बनाते हैं और वो है पाव भाजी। एक्चुअली आज ना मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और मेरे पास कुछ जल्दी से बनाने का और कुछ मैं सोच नहीं पा रही हूँ, और ये पाव भाजी ऐसी डिश है कि जो एकदम क्विकली भी बन जाती है और सब लोग इसको खुश होकर खाते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप इसको, क्योंकि वो डिनर पे आ रहे हैं, तो वैसे तो आप चाहो तो पाव भाजी एज ए स्नैक ले सकते हो और आप चाहो तो पाव भाजी एज ए स्टार्टर ले सकते हो। ये एक वर्सेटाइल डिश है, तो इसको आप किसी भी रूप में खा सकते हो और हम तो डिनर में खाली यही खाने वाले हैं। ऑफकोर्स इसके साथ डेजर्ट में कुछ ज़रूर रहेगा, बट देन पाव भाजी जो है वो हमारा एक मील है, बिकॉज इट्स ए फुल मील। इसमें सारे वेजीज आ जाते हैं और उसके साथ साथ जब आप इसको सर्व करते हो पाव के साथ, तो पाव का सब्स्टिट्यूट मैंने लिया है मल्टीग्रेन ब्रेड, क्योंकि पाव जनरली हम इतना हेल्दी नहीं मानते हैं। तो मल्टीग्रेन ब्रेड इसके साथ लेने से पूरा एक कॉम्बो आपका मील का रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैं क्या क्या वेजीज इसमें डाल रही हूँ। ये है आलू, आलू का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है तो मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ी सी जो है ये पत्ता गोभी है, ये मटर है, इसमें से मैं थोड़े से ही मटर यूज़ करूँगी, करीबन 1/2 कप ऑफ मटर, तो आप कह सकते हो कि 1/2 पाव मटर छिले हुए। 2 बैंगन है, छोटे छोटे हैं, अगर बड़ा हो तो आप 1 बैंगन ले सकते हैं, या आप चाहो तो बैंगन, कुछ लोगों को एलर्जिक होते हैं तो अगर बैंगन अवॉइड कर सकते हो तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट मैं तो सारे वेजीज अवेलेबल है घर में वो सभी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे है फूल गोभी, वो भी एक बहुत छोटा सा इसका मैंने फूल लिया है। यहाँ पे है एक छोटा सा घिया, ये ना सारी मतलब पाव भाजी को अच्छा बनाने की ये ट्रिक मैंने किसी से सीखी थी, हमारे घर पे एक आते थे खाना बनाने वाले, तो उनसे मैंने सीखी थी कि जब आप बहुत सारी पाव भाजी बना रहे हो तो पाव भाजी में कई बार क्या होता है कि सारी सब्जी अपना पानी छोड़ती है, और यही काम जो घिया करता है कि वो पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे जो आपकी पाव भाजी की जो एक कंसिस्टेंसी है वो मेनटेन होती है। तो इसीलिए एक छोटा पीस घिया का। इसके साथ है बीटरूट, बीटरूट तो मैं इसमें से 1/2 ही ऐड करूँगी, क्योंकि बीटरूट का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी सब सब्जी से, बट ये कलर बहुत अच्छा देता है पाव भाजी को, तो इसका बहुत ही छोटा सा एक पीस लूँगी मैं। जैसे ये पूरा बीटरूट है तो 1/4 ऑफ दिस आई विल टेक, और एक छोटा गाजर। गाजर से थोड़ा सा स्वीटनेस आता है, बट अगेन जब हम टमाटर प्याज सारी चीज़ें डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारे वेजीज सबसे पहले हम इसको छील के इसको चॉप करेंगे, और चॉप करने के बाद इसको हम कुकर में 2 ग्लास पानी डाल के इसको 5 से 6 सीटी इसकी लगानी है। और हाँ फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखिए कि मटर को हमने अलग से बॉईल करना है, उसको ये सारी सब्जीज़ के साथ अगर आप डालेंगे ना तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे, विच आई डोंट वॉन्ट। मेरे को मटर थोड़ा सा अलग से पसंद है, जो दिखना चाहिए हमारी भाजी में, तो उसको हम अलग से बॉईल करेंगे। तो चलिए मैं कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ पहले फटाफट, और फिर इसको एक तरफ हम कुकर में रख देंगे और दूसरी साइड जो पाव भाजी की ग्रेवी होती है भाजी की वो हम बनाएंगे। तो पहले इन सब्जियों को हम चॉप करके बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरी चॉपिंग हो गई है सारी कुछ, और यहाँ पे एक ध्यान में रखने जैसी बात है कि मैंने बीटरूट को ना ग्रेट करके डाला है, क्योंकि बीटरूट को बहुत हार्ड होता है तो इसको कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अगर ये मिक्स नहीं होगा, अच्छे से कुक नहीं होगा, तो आप जब खाएंगे तो आपके मुँह में उसके पीसीस आएंगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ग्रेट करके डाला है। और इसमें मैंने पानी डाला है 2 ग्लास पानी, बहुत पानी इसमें ध्यान से डालना है, नहीं तो आपकी जो भाजी है वो बहुत ही वाटरी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे मटर है जो ऑलरेडी मैंने इसको बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हो इसका कलर एकदम ग्रीन रहा है। तो मटर जब भी आप बॉईल करते हैं तो एक टिप है ये मेरा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि इसको ऐसे खुले में ही पानी में बॉईल कर लेना है, आपको इसको अगर आप ढकोगे तो ये इसका जो ग्रीन कलर है वो चला जाएगा। तो ग्रीन कलर को मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा इसको खुला बहुत सारे पानी में डाल के इसको बॉईल करना है। तो अब बस हम इसको कुकर को ऑन कर देते हैं, और जब तक कुकर की सीटी बजती है तब तक हम बाकी सारा अपना काम शुरू करेंगे,
और फ्रेंड्स जब खाना बनाते हैं ना तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ तो बहुत ही थोड़ी देरों में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है, तो उस टाइम पे हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे पहले मैंने चॉपिंग करके एक तरफ ये सारी सब्जी है वो बॉईल करने रख दी है, जब तक ये मेरी सीटी लगेगी और भाजी मेरी कुक हो, ये सारी सब्जियां मेरी कुक हो जाएगी तब तक मैं अपनी ग्रेवी रेडी कर लूँगी, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ये काम जो है बहुत स्पीड में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ग्रेवी के लिए चीज़ें बता देती हूँ। तो चलिए ये देखते हैं ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया है 2 ऑनियन, 3 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर है, ये कैप्सिकम है बहुत बड़ा है तो मैं इसका हाफ लूँगी, ये है अदरक छोटा, 2 हरी मिर्च, क्योंकि मेरी हरी मिर्च है बहुत तेज़ है, बहुत तीखी है, ये आप देख सकते हो इतनी पतली वाली है तो ये बहुत ही स्पाइसी रहती है, और उसके साथ 4 लहसुन की कली है। तो सबसे पहले हम प्याज को मोटा मोटा ही हम छील के टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हमें इसको फिर मिक्सी में ग्रेवी बना देना है। उसके बाद उसी तरह से हम टमाटर, कच्चे टमाटर वैसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप करके उसकी ग्रेवी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में इसमें से थोड़ा सा, जैसे मैं अगर हाफ कैप्सिकम लूँगी तो इसमें से 1/4 कैप्सिकम ये मिर्च है, अदरक है और लहसुन, ये चारों को मिक्स करके अलग से पेस्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरह की पेस्ट हो जाएगी, ऑनियन की पेस्ट, टमाटर की पेस्ट और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, और इसमें से जो 1/4 हमारा होगा कैप्सिकम उसको हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर भी चाहिए और इसके साथ साथ इसका क्रंचीनेस भी मेरी पाव भाजी में चाहिए, तो इसीलिए मैं दोनों तरह से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब इसको चॉपिंग करके इसके ग्रेवी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो भाजी है वो अच्छे से बॉईल हो गई है, 5-6 सीटी उसकी मैंने 6 सीटी बजा के कुकर भी ठंडा कर लिया है। अब हम भाजी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक बड़ी कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, वैसे आप चाहो तो स्टील की कढ़ाई या नॉन स्टिक कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो कढ़ाई थोड़ी बड़ी हो और चौड़ी हो, ताकि आप अच्छे से अपनी जो भाजी बनाते हैं उसको अच्छे से आप स्टर कर सकें। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, मेरी भाजी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, वो करीबन 6 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है मेरे घर में, आपका अपनी डाइट पे डिपेंड करता है, और ऑयल का क्वांटिटी आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा या कम ले सकते हो, बट मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और मुझे लगता है कि इतना तेल तो भाजी में चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी जो भाजी है वो मार्केट के जैसी, बाज़ार के जैसी बनेगी। अब सबसे पहले इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और जीरे को हमें एकदम फूटने देना है, जैसे ही हमारा जीरा इसमें फूटेगा हम इसमें ऑनियन का पेस्ट डालेंगे। मैंने सारी ही पेस्ट रेडी कर दी है, ऑनियन, टोमेटो और अलग से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की, और साथ में कैप्सिकम भी चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि खाली भाजी से कैसे डिनर चलाया जाता है, तो इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और इनफैक्ट गुजरात में तो काफ़ी सारी ये स्ट्रीट फूड है जहाँ पे पाव भाजी के साथ पुलाव सर्व किया जाता है, तो पुलाव भी वेजिटेबल से भरपूर होता है तो उसके साथ भाजी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप पाव भाजी के साथ कभी पुलाव का कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो कॉम्बिनेशन कैसा लगा। इसके साथ साथ पाव भाजी के साथ आप बाकी तो चाहो वो मेन फूड आप रख सकते हो, बट पाव भाजी और पुलाव ये अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर कोई आपके घर डिनर के लिए आता है और आपको जल्दी से कुछ कुक करना है तो। खाली पाव भाजी भी अगर चलता है तो वो डाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब जैसे मेरे घर आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो काफ़ी सिंपल है और वो रात में बहुत कम खाना खाते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, तो इसीलिए मैंने खाली पाव भाजी और उसके साथ कुछ मैं डेजर्ट में बनाऊँगी तो वही रखा है, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर गेस्ट, आपका अपना डाइट कि आप इसके साथ कुछ और भी सर्व करना चाहे तो कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि अब ये जो जीरा है वो एकदम फूटने लगा है, अब मैं इसमें ये ऑनियन का पेस्ट ऐड करूँगी। ऑनियन का पेस्ट डालते ही ये बहुत क्रेकल करता है तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको ऐड करना है और दूर हट जाना है। इसको हम अच्छे से अब स्टर कर लेंगे,
आप गैस का फ्लेम है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। वैसे मीडियम टू फुल पे अगर आप रखोगे तो ये थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। अब हमें इस ऑनियन को एकदम ब्राउन हो जाए तब तक होने देना है और इसको चलाते रहना है। इसको जल्दी ब्राउन होने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो ऑनियन का कुकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अब हमें इसको चलाते रहना है और इसको ब्राउन होने देना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि ये जो मेरी ऑनियन है वो ऑलमोस्ट कुक होने वाली है। इसी टाइम पे मैं इसमें जो ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है वो ऐड करूँगी। उसको भी थोड़ी देर हमने सोते करना है, इसीलिए जब ऑनियन आपकी 80% हो जाए उसी टाइम पे आप उसको ऐड कर दीजिए। तब इससे क्या होगा कि जो लहसुन का थोड़ा सा रो स्मेल है वो भी निकल जाएगा। और पाव भाजी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा उससे फ्लेवर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आप लहसुन कम ज़्यादा अपनी हिसाब से आप कर सकते हो। इसको कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। जब तक मेरी ऑनियन हो रही थी तब तक मैंने पाव भाजी की जो भाजी थी उसको भी मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो, अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा खड़ी होती है सब्जियां वैसी पसंद है, बट हमारे घर में जो बनाई जाती है वो ट्रेडिशनल पाव भाजी होती है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन से वेजिटेबल्स है, पूरा ही मैश हो जाता है एक्सेप्ट मटर जो है आपके, उसके अलावा बाकी सारी भाजी का पता ही नहीं चलता है। और ये ना एक बेस्ट तरीका है अपने घर में सब लोगों को सारी ही सब्जी खिलाने का, ताकि बच्चे भी खा लेते हैं और उनको टेस्ट भी मिलता है और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो आप पाव भाजी में तो अपनी हिसाब से जितना चाहे आप वेरिएशन कर सकते हो। कुछ लोग इसमें पालक भी ऐड करते हैं तो पालक से थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है, तो अगर आप वैसे पालक भी ऐड करना चाहो तो वो बॉईल करने के टाइम पे ही थोड़े से पालक के पत्ते हैं उसको अच्छे से वॉश करके आप इसमें भाजी में बॉईल कर सकते हो बाकी सारी सब्जियों के साथ ही। बट हाँ, उससे आपको जैसे मैंने बताया आपकी जो भाजी है उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश होगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेरा ऑनियन है वो मैंने कम से कम इसको 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छे से सोते किया है। अब ये तेल भी छोड़ने लगा है और जो मैंने लहसुन डाला था वो भी मेरा कुक हो गया है। तो अब मैं इसमें बाकी मसाले सारे ऐड करूँगी। गैस हम थोड़ी स्लो कर देंगे, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो तुरंत इसमें जल जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी प्याज हमारी है वो गर्म है। अब मसाले में हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मेरे को थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो मैं 2 टीस्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर मैंने ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पे हम यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला है वही मेन फ्रेग्रेंस देता है, तो आप अच्छे ब्रांड का कोई भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हो। मार्केट में तरह तरह के ब्रांड्स अवेलेबल है। पर्सनली मुझे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला ज़्यादा पसंद है तो मैं हमेशा वही ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे को उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 से 3 टीस्पून जितना मैं ये मसाला ऐड करूँगी क्योंकि यही इसी से मेरी पाव भाजी का टेस्ट जो है आएगा। इसको हम अच्छे से सोते कर लेंगे। अब हमने थोड़ी सी जो कैप्सिकम है जो मैंने चॉप करके रखी थी वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी क्योंकि कैप्सिकम भी मसाले के साथ जब सोते होगी तो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर मसालों में ही आ जाएगा। अब देख रहे हो मसाला डालने से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, पाव भाजी का जैसा कलर होता है वैसा कलर हमें इससे मिलेगा। अब हमने ये टमाटर की प्यूरी बना के रखी है जो वो हम ऐड करेंगे, और इसको हमें थोड़ी देर कुक होने देना है।
2 से 3 मिनट तक ये टमाटर की प्यूरी को हम अच्छे से कुक होने देंगे। इससे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और साथ साथ ये प्यूरी भी जो टमाटर हमारा है, क्योंकि हमने कच्चे टमाटर की ही प्यूरी डाली थी, तो वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गई है, अब देखते हैं हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो गए और मसाले में से तेल भी छूट रहा है। दैट मीन्स कि ये मसाला जो है पाव भाजी का वो बिल्कुल रेडी है। ज़रा सा यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब 1 टेबल स्पून जितना हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला है वो जो हमारा है वो जले नहीं। हमने नमक उस टाइम पे बहुत ज़रा सा डाला था, तो हम बाकी का नमक भी ऐड करेंगे। नमक जैसे है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अब जो मेरे पास बॉईल मटर है जिसको मैंने पानी भी निकाल दिया है एकदम, वो मैं ऐड करूँगी। और ये सारा रेडी होने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारी भाजी है मैश की हुई, वो हम ऐड करेंगे। देख, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भाजी का वैसे बहुत अच्छा हो गया है बीट रूट की वजह से। बीट रूट ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और पाव भाजी में अच्छे कलर के लिए अगर आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च होता है जो स्पाइसी नहीं होता है बट वो कलर ही देता है, तो वो यूज़ करने से भी आपकी मार्केट के जैसे कलर वाली पाव भाजी आप बना सकते हो। बस अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हो कि मेरी भाजी में एकदम मुझे जितना चाहिए था उतना ही पानी है, और मैंने थोड़ा सा इसको एकदम मैश नहीं किया है, हल्का सा जो आलू है उसको थोड़ा सा मैंने वैसे रखा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख रहे हो भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसे हमने थोड़ी देर कुक होने देना है। थोड़ी देर मतलब इसको स्लो आंच पे हमें अभी थोड़ी देर इसको रख देना है। एटलीस्ट ये 10 मिनट तक तो इसको हमें कुक करना ही पड़ेगा ताकि मसालों की ब्लेंडिंग अच्छे से भाजी में हमारी हो जाए। अब हमें ये भाजी को होने देना है 10 मिनट तक, लेकिन हाँ बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं और अच्छे से ये होती रहे। मैंने जो पाव भाजी का मसाला डाला है ना, उसकी वजह से पूरे घर में बहुत अच्छी पाव भाजी की खुशबू आ रही है। और मेरे तो बस इसको कब रेडी हो और कब मैं इसको टेस्ट करूं, मैं उसी चीज़ का मैं वेट कर रही हूं। लेकिन जब तक ये चीज़ें होती, ये भाजी हमारी होती है, तब तक हम क्या करेंगे, तो हम इसके साथ एक सैलाड सर्व करते हैं। सो नॉर्मल सैलाड होता है, इट्स बेसिकली चॉप्ड ऑनियन एंड चॉप्ड टोमेटो। अगर आप चाहो तो कुकुम्बर भी डाल सकते हो, तो उसको हम चॉप कर लेते हैं ताकि जैसे ही हमारी भाजी रेडी हो जाए हमारा सर्व के लिए सब सामान हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, और हाँ बीच बीच में चलाते रहना नहीं भूलना है। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम हमारी भाजी है वो एकदम रेडी हो गई है। सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए, अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक अच्छी आपको इसमें एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आप पाव भाजी बनाते हो तो आप इसको बनाने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा रहने दीजिए। इससे जो मसाले हैं ना, और ज़्यादा पाव भाजी जितनी रहेगी आपकी उतना अच्छा टेस्ट आता है। एकदम गरम गरम सर्व करने के बदले उसको 1 घंटा रहने दीजिए, और फिर जब आप सर्व करते हैं उस टाइम पर फिर से इसको गर्म कर लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका। बस अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और सबसे लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया। जैसे हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना है वो धनिया के बगैर अधूरा है। धनिया से ही इसका जो शो आता है वो आता है, और इसके साथ साथ धनिया का अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है ही है। तो इसके ऊपर बस धनिया से हमने गार्निश कर लिया है। मैंने अपने टमाटर प्याज भी चॉप कर लिए हैं। अब जैसे ही मेरे गेस्ट आएंगे तो मैं इसके साथ पाव भाजी पाव या ब्रेड कुछ भी है जो वो टोस्ट करके उसको गर्म करके बटर में, और उनको ये सर्व करूँगी। सर्व करने के टाइम पे आप इसके ऊपर बटर डाल के सर्व कर सकते हैं, दैट्स अगेन ऑप्शनल, क्योंकि बटर डालने से जो आपका तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे इस पे बटर डाल के सर्व खाना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ सर्व करने टाइम पे आप इसको बटर डाल के भी सर्व कर सकते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बढ़ेगा।
तो फ्रेंड्स आप भी ये पाव भाजी मेरी स्टाइल से ज़रूर बनाइए। और हाँ, जब भी आप इसको बनाते हैं, इसके अलावा जब आप खुद इसको कैसे बनाते हैं या क्या क्या वेरिएशन करते हैं, वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये खाली मैं आपको सिखा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से भी सीखना चाहती हूँ। तो ये गिव एंड टेक रहेगा हमारा रिलेशनशिप। तो आप भी अपनी नई नई टिप्स है वो लिखते रहिए, और फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी कुकिंग, और अपना ध्यान रखिए और अपने खाने का भी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।